हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केएलडी क्लासेस में। मेरा नाम है उमेश शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटेक्निक का पेपर जो है वो हो चुका है, तो आज हम आपको पॉलिटेक्निक का पेपर जो हुआ है उसकी एनालिसिस करवाएंगे। जितने भी सेट थे उनमें से जो क्वेश्चन थे वो सेम थे, हो सकता है उनका ऑर्डर जो है वो डिफरेंट था सिर्फ। तो सेट ए बी सी करके चार सेट थे, तो आज हम आपको सॉल्व करवाएंगे और उसका जो है आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे। तो आप अपने आप को जांच सकेंगे कि कितना आप सही करके आए हैं, क्या आपका स्कोर बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ का सेक्शन इस वीडियो में हम आपको कवर करके दिखाएंगे और अगले के वीडियो में आपको साइंस के सेक्शन का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए, मैथ के सेक्शन में पहला क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन नंबर, हम आपको ये नहीं बता सकते कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, आपकी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। तो आप अपने पेपर के हिसाब से, चूंकि चार अलग अलग सेट थे तो सबके उसमें जो है क्वेश्चन नंबर अलग अलग होंगे, ठीक है। तो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे और आप उसको अपने पेपर से मिलाइएगा कि कौन सा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि 3/4 भाग काम 12 दिनों में कर सकता है, तो 1/2 भाग काम करने में कितने दिन लेगा, ठीक है। यानी कि रवि कोई लड़का है, वो 3/4 काम कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। तो ये बताइए, 3/4 काम 12 दिनों में करता है, तो पूरा काम या कुल काम करेगा 12 × 4/3 बराबर 16 दिनों में, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि आधा काम कितने दिनों में करेगा, तो पूरा काम अगर 16 दिनों में हो रहा है तो आधा काम होगा आपका 8 दिन में, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 8 दिन, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, दो रेखाओं का इक्वेशन दिया है। पहला है 3x + 4y - 6 = 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है 6x + 8y + 7 = 0, ठीक है। लिखा है कि दो समांतर रेखाओं जिनका इक्वेशन ये और ये है के बीच की लंब दूरी ज्ञात कीजिए, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। मान लीजिए दो लाइंस पैरेलल है तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बताना है। दोनों का इक्वेशन ये लिखा है। आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको करना क्या है कि दोनों इक्वेशंस को सेम करना है, मतलब उनका ए और बी जो ये है और ये वेरिएबल, इसको हमको सेम करना है। तो पहले वाले इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2×3 = 6x + 8y - 12 = 0, और दूसरा इक्वेशन हो गया 6x + 8y + 7 = 0। ये पहले दूसरे इक्वेशन हो गए, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ठीक है। अब यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। फार्मूला क्या है कि d बराबर मॉड आर ऑफ c1 - c2 / √a² + b², ठीक है। यहां पे ये हो गया c1, ठीक है, और ये हो गया c2, साइन के साथ हमें लेना है। तो यहां पे आएंगे -c1 = -12, फिर -7, मॉड लगा है, √a² ये हो गया a और ये हो गया b। ए स्क्वायर बोले तो 36, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 12 और 7 माइनस माइनस प्लस, 12, 7, 19 और मॉड लगा है -19 आएगा और मॉड लगा है तो 19 आ गया, 19/10 ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये आ गया 19/10, तो 19/10 आपका सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ये आपका हो गया, एक इक्वेशन दिया है आपको, यदि √3x - 2 = √3+4, तो इसमें कह रहा है कि x का मान बताइए, x की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, √3+6/√3, ठीक। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम √3 2 कॉमन ले लेंगे, एक मिनट रुक जाइए, हाँ यहाँ पे 2√3 हम कॉमन ले लें अगर, तो यहाँ बचेगा 1+3, ठीक, √3, √3 से √3 कट गया, 2 1+√3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, इसका होगा आंसर 2+1 2 ब्रैकेट के बाहर और 1+√3 ब्रैकेट के अंदर। दोस्तों यहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ आप मतलब 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, तो ये 3 को लिख सकते हैं √3 और √3, तो एक √3 और कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा सिर्फ √3, ठीक।
तो इसका आंसर आ गया 2 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और पूछ रहा है कि उसका परिमाप क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का आप जानते हैं कि सभी साइड इक्वल, समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी साइड इक्वल। इसका एरिया आपको दिया है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और पूछ रहा है कि परिमाप बताइए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है, 4√3 इसके बराबर है, एरिया दिया हुआ है। यहां से √3 √3 कैंसिल आउट, ए स्क्वायर बराबर 16 और ए की वैल्यू 4। एक साइड की वैल्यू 4 आई, तीन साइड होती है सभी की वैल्यू 4 4, तो पेरीमीटर बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों पेपर बहुत ही ज्यादा सरल था, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था, तो मेरा ये अनुमान है, पर्सनल ओपिनियन है, कि अगर आपका 180 से 200 नंबर तक आ गया तो आपको फर्स्ट राउंड में ही सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि a बराबर 4x + 1/x देन a + 1/a की वैल्यू बताइए। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है। चलिए a की वैल्यू आपको दी है 4x + 1/x, ठीक है, तो 1/a की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। ये हो जाएगा आपका 1/4x + 1/x, ये हो जाएगा x/4x² + 1। ठीक, अब यहां a + 1/a निकाल लेते हैं हम लोग। a की वैल्यू 4x + 1/x और 1/a की वैल्यू x/4x² + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी x/4x² + 1। ठीक, ये आएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। लिखा है घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण निकालने का जो फार्मूला होता है दोस्तों, तो वो होता है a√2। ठीक है, यानी कि साइड और रूट टू, साइड हो गया 6 फिर रूट टू, ये हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा कोई कमरा है। ठीक है, 15 मीटर और 12 मीटर, इसके चारों ओर एक बरामदा है जिसका एरिया दिया हुआ है बरामदे का 90 मीटर स्क्वायर। 90 मीटर स्क्वायर इसकी हमको चौड़ाई बतानी है बरामदे की, तो मान लीजिए x है, सभी तरफ x मीटर चौड़ा है। ठीक है दोस्तों, अंदर का एरिया जो हो जाएगा l × b बराबर 15 × 12 = 180। ठीक, अब इस वाले अंदर वाले इस रेक्टेंगल को छोड़कर हम बाहर वाले रेक्टेंगल में आते हैं, तो l क्या हो जाएगा बाहर वाले रेक्टेंगल के लिए, आप जानते हैं l × b बराबर एरिया। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा बाहर वाले रेक्टेंगल का, अंदर का एरिया 180 प्लस बाहर का ये जो किनारे का एरिया है 90 = 270। ठीक, अब इसका लेंथ देखते हैं, 15 + 2x, 15 ये लंबाई हो गई और x इतना और x इतना। ठीक है, 2x फिर इंटू ब्रेथ बराबर हो जाएगा 12 + 2x = 270। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आएगा 1.5 मीटर। ठीक है, आपका आंसर आएगा 1.5 जो कि ऑप्शन है ए। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाते हैं और 3 घंटे 20 मिनट में कितने कोण घूमेगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया है कि पृथ्वी जो है वो एक चक्कर जो लगाती है वो 24 घंटे में लगाती है, 24 घंटे एक चक्कर, एक चक्कर में कोण कितना घूमती है, 360 डिग्री। ठीक है, पूछ रहा है 3 घंटे और 20 मिनट में कितना कोण घूमेगी पृथ्वी। ठीक है, 3 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे
3 घंटे और 20 मिनट को जब कन्वर्ट करेंगे आवर में तो 1/60 1/3 यानी कि 3 होल 1/3 10/3 तो ये आ जाएगा 360/24 × 10/3 ठीक है। चलिए ये आ जाएगा आपका 50 डिग्री ऑप्शन नंबर ए ठीक है 50 डिग्री आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दो गोलों के आयतन में 1:8 का अनुपात है तो उनके वक्र पृष्ठतल सरफेस एरिया का अनुपात कितना होगा। कह रहा है दो गोले हैं, गोले का आयतन आप जानते हैं क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो इसके लिए R1 मान लेते हैं और फिर 4/3 πr² हो गया R2 और इसका रेशियो दिया है 1:8 ठीक 1:8 कट गया पाई से पाई कट गया। R1 और R2 का अनुपात आ गया आपका 1:2 यानी R1 की वैल्यू 1 R2 की वैल्यू 2। अब गोले का वक्र पृष्ठ देखते हैं तो 4πr² / 4πr² अब देखिए यहाँ पे वक्र पृष्ठ का अनुपात है तो यहाँ 4π फिर से कट गया r² / r² r1 की वैल्यू यहाँ 1 है 1 का स्क्वायर हो गया 1 2 का स्क्वायर हो गया 4 बराबर 1:4 ठीक है। इसका आंसर आया आपका 1:4 जो कि है ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 11 है और उनका गुणनफल 30 है तो संख्याएं क्या होंगी। दो संख्याएं हैं उनका योग है, मान लीजिए दो संख्याएं x y हैं, उनका योग है 11 और गुणनफल है 30 तो उनका जो है तो संख्याएं क्या होंगी। तो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे पहला ऑप्शन है हमारा 7, 4 7, 4, 11 लेकिन 7 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है 8 और 3 8, 3, 11 लेकिन 8, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 3, 24 ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है 9, 2 ठीक है 9, 2, 11 तो होता है लेकिन 9, 2, 18 होता है उसका गुणनफल जो है वो 30 आना चाहिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा हमारा ऑप्शन जो बचा है वो है 6, 5 6, 5, 11 और 6, 5, 30 ये गुणनफल क्या आ गया 30 तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। संख्या होंगी 6, 5 जो कि है ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5√5 × 5³ / 5^-3/2 = 5^a+2 यहां आपको a की वैल्यू बतानी है ठीक है। आपको इक्वेशन दे रखा है a की वैल्यू बतानी है आपको कितनी होगी तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे जब ये देखिए 5^1 है 5^1/2 लिख सकते हैं 5^3 है और 5^-3/2 है ठीक है। इनके इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर जुड़ जाएंगी तो हो गया आपका 5^1 + 1/2 + 3 डिवाइड में है मान लीजिए इसको नीचे लिए जाए कुछ देर के लिए 5^-3/2 = 5^8+2 ठीक है। इसको जोड़ेंगे 2 × 2 = 3/2 और हो जाएगा 5^9/2 ये ऊपर जाएगा −-+3/2 = 5^a+2 5^9, 3, 12 = 6 = 5^a+2 अब देखिए बेस इक्वल हो गया तो a+2 = 6 a = 4 ऑप्शन नंबर बी ठीक है ये आपका हो गया सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो वो है 24,000 का 10% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज प्रति छमाही देय है ठीक है। यहां पे देखिए पी आपको दिया है 24,000 ठीक है आर आपको दिया है 10% टाइम आपको दिया है 1.5 वर्ष यानी 1/2 यानी कि 3/2 इयर्स। अब यहां कह रहा है कि ब्याज दर छमाही है जब ब्याज दर छमाही होती है तो टाइम जो होता है वो डबल हो जाता है ठीक है तो टाइम हो गया डबल डबल टाइम हो गया तब 3/2 × 2 = 3 इयर्स ये हो गया टाइम डबल रेट हो गया हाफ आपका 5%
ठीक। अब चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले पे रखेंगे हम इसको, तो इसको आप फॉर्मूले में रखिए, अमाउंट बराबर यहां से निकाल लीजिए, होल पावर टी, इस फार्मूले से अमाउंट निकालिए, फिर सी आई बराबर अमाउंट माइनस पी, इस फार्मूले से सॉल्व रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों टाइम बहुत कम है इसीलिए आपको जल्दी जल्दी बताया जा रहा है। क्वेश्चन है कि दो बिंदु दिए हैं आपको, सब लीनियर इक्वेशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। दो बिंदु 3.5 और -4.2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण बताइए। ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो जो आपको चार ऑप्शन दिए हैं उसको आप सेटिस्फाई करा लीजिए रख रख के, या तो आप दूसरे फार्मूले से इक्वेशन निकालिए। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जब दो पॉइंट गिवन हो तब क्या होता है, ये हो गया x1 y1 x2 y2, y-y1 = y1 - y2 / x1 - x2 ब्रैकेट में x - x1। ठीक, माफ कीजिएगा, यहां पे y2 - y1 और x2 - x1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो y - y1 की वैल्यू 5, y2 - y1 2 - 5 यानी कि -3। ठीक है, और फिर x2 - x1, x2 की वैल्यू -4 - 3 - 7, माइनस माइनस कट गया, ब्रैकेट में x - x1 की वैल्यू 3। ठीक है, 7y - 35 = 3x - 9, उधर लिए जाएंगे 3x - 7y -9 + 35 = 0, 3x - 7y ये हो गया आपका 5 + 9 + 26 = 0, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3x - 7y + 7 ए सही हो गया आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये हो गया आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक चित्र दिया है आपको, उसमें आपको एंगल बताना है, चित्र में बनाने जा रहा हूं फिगर पे बोर्ड पे। चलिए चित्र है, एक सर्किल है, उसमें एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, यानी चतुर्भुज बना हुआ है, ट्रेपेजियम बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है। यहां हो गया 120। ठीक, इसमें पूछा है कि x और y का मान बताइए, x और y का मान बताइए। ठीक है, यहां पे है ये समचतुर्भुज बना हुआ है, ये फिगर बना हुआ है आपका यहां, तो एंगल जो आएगा वो आएगा 120 + y = 180, तो y की वैल्यू निकल के आएगी 60 डिग्री, और x + 130 = 180, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 50 डिग्री। ठीक है, ये आपके उत्तर हो गए ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति से आया है क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से आया है क्वेश्चन है, sin θ + cos 90 + θ + sin 180 - θ + sin 180 + θ की वैल्यू बताइए। ठीक है, sin θ + cos 90 + θ, cos 90 + θ सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, cos नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -sin θ, ठीक, प्लस साइन 180 - θ बोले तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसमें होगा +sin θ, ठीक, और साइन 180 θ थर्ड क्वाड्रेंट में, तो -sin θ, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर आ गया 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही इजी सवाल पूछे गए हैं आपसे, जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं उनका सीरियल हो सकता है ना सेम हो, लेकिन
क्वेश्चन जो है वो सभी पेपर में सेम है। हो सकता है आपके पेपर में किसी और नंबर पर कोई सवाल हो, दूसरे पेपर में दूसरे सेट में किसी और नंबर पे हो। अगला क्वेश्चन है कि 12x²y³z² और 18x⁴y²z³ का LCM बताइए। LCM बोले तो लासा बताइए, ठीक है। लासा कैसे बताएंगे? लासा बताएंगे हम जुगाड़ से, ठीक है। देखिए पहले तो एक्स वाई जेड का काम खत्म करते हैं। एक्स वाई जेड का काम कैसे खत्म किया जाएगा? देखिए मैक्सिमम पावर हमको लेनी है, मैक्सिमम पावर जिसमें है उसमें लेनी है। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, तो एक्स की पावर 4 ले लिए। वाई की पावर 3 है, वाई की पावर 2 है, वाई की पावर 3 ले लिए। जेड की पावर 2 है, जेड की पावर 3 है, जेड की पावर 3 ले लिए, ठीक। इसका काम खत्म। अब देखिए 12 और 18 बचे, ठीक है। 12 और 18 बचे, 12 और 18 का हम लासा ले लेंगे, 12 18, ठीक है, लासा लेंगे इसका। तो इसका लासा निकल के आएगा 36, ठीक है। और 36 यहां पे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 36 x की पावर 4y³z³। ये हो गया आपका आंसर ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है। ए का निर्देशांक है 4.6, बी का है 2.-2 और सी का है 0.2। तो पूछ रहा है इसके केंद्रक का निर्देशांक बताइए, केंद्रक का निर्देशांक। बोले तो ये मान लीजिए ये केंद्रक है, इसका निर्देशांक बताइए। इसका निर्देशांक कैसे बताएंगे? फॉर्मूला होता है, मान लीजिए इसका निर्देशांक है एक्स वाई, एक्स बराबर x1+x2+x3/3 और y बराबर y1+y2+y3/3। जोड़ लीजिए 4, 2, 6 और 0, 6/3 = 2, ठीक है, यानी कि 2, 6 - 2, 4 और 2, 6, 2, 2.2 इसके निर्देशांक हो गया, 2.2 किसका? केंद्रक का, ठीक है। केंद्रक का निर्देशांक निकालने का फार्मूला आप लिख लीजिए, बहुत ही उपयोगी फार्मूला है, आपको हर जगह काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 40 सेकंड में पार करती है। टेलीग्राफ पोस्ट, टेलीग्राफ पोस्ट को 36 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। स्पीड दिया है आपको 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम दिया है 40 सेकंड, टाइम दिया है 40 सेकंड में, तो स्पीड को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 36 × 5/18 = 10 m/s, ठीक। अब देखते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही डिस्टेंस निकलेगी, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राफ पोस्ट एक खंभा होता है, खंभे की कोई लंबाई नहीं होती, तो उसको इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब d बराबर हो गया s × t = 40×10=400, तो ट्रेन की लंबाई 400 मीटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों बार बार आपको कह रहे हैं कि हो सकता है क्वेश्चन नंबर ना सेम हो, लेकिन क्वेश्चन जो है वो सारे आपके पेपर में है। आप ढूंढिए कि कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे है और उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि आपका कितना स्कोर बन सकता है, सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर 200 के आसपास स्कोर है तो आपको पहले राउंड में ही सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को 72 दिनों में करते हैं। A+B किसी काम को 72 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 120 दिनों में करते हैं। B+C 120 दिन, A+C उसे 90 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? चलिए पहले निकाल लेते हैं कि तीनों मिलके उसे कितने दिनों में करेंगे, ठीक। तो 72, 120 और 90, 120, 72, इसका लासा आ गया 360, ठीक है। 5, 3 और 4। अब A+B+C निकाल लेते हैं। तो A+B+C जो है निकालेंगे हम यहाँ पे, तो 5, 3, 8, 4, 12,
ये निकलेगा 360/6 बराबर 1 मिनट, 60 दिन, ठीक है। ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी का। अब देखिए ए तीनों मिलके 60 दिनों में करते हैं और ए और बी अकेला 72 दिनों में करता है, ठीक है, सॉरी बी और सी मिलके 120 दिनों में करते हैं। तो ए का दिन निकलेगा 120 माइनस 60 बराबर 60 दिन, ये हो गया ए। ए जो है वो 60 दिन लेता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर √3, देन एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू बताइए। यहां होल क्यूब अप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में ठीक है 3x इंटू वन अपॉन एक्स बराबर √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3, ठीक। इसको यहां पे रोक लीजिए, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इससे कट गया, इसकी वैल्यू है √3 प्लस 3√3 बराबर 3√3, ये कट गया, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू हो गई 0, ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टेन 15 का मान बताइए। टेन 15 का मान बताइए, जैसा कि टेन 30 की वैल्यू आप जानते हैं, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो टेन 15 की वैल्यू बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि 1/√3 का आधा हो जाएगी, इसका 1/2 यानी कि 1/√3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है वो है cos 20 डिग्री cos 70 डिग्री माइनस sin 20 और sin 70 डिग्री, इसकी वैल्यू बताइए। सीधा सा फार्मूला है आपका, cos a प्लस बी यानी 20 प्लस 70 बराबर 90 डिग्री, ठीक है। cos 90 की वैल्यू हो गई आपकी 0, 0 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है आपको कि tan a प्लस बी की वैल्यू हो गई √3 दी हुई है आपको, और cos a माइनस बी की वैल्यू √3/2, ठीक है। तो आपको a और b की वैल्यू बतानी है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में था, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू ये कितना है, ये है tan 60 और ये है cos 30, तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। सॉल्व करेंगे इसको, 2a बराबर 90, a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15, ठीक है, तो 45,15 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है √1 + sin x / √1 - sin x की वैल्यू क्या होगी, जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से क्या आएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका परिमेयकरण कर देंगे यानी कि 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे साइन एक्स, ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स हो गया का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, बाहर आएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बराबर sec x प्लस tan x, ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फिगर दिया है, एक फिगर बना हुआ है, एक सर्किल है, ठीक है, कुछ ऐसा फिगर आपको दिख रहा होगा आपके पेपर में, पेपर साथ लेके बैठे रहिए। ये एंगल आपको बताना है, ठीक है, ये आपको दिया है 55 डिग्री, पूछ रहा है एंगल डी ई सी बताइए, ठीक, तो डी ई सी बताएंगे। ये लाइन देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो डी ई सी की वैल्यू भी हो गई आपकी 55 डिग्री,
ठीक है, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो इसमें हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका निकालिए। मध्यिका निकालिए, आपको एक डेटा दिया हुआ है। देखिए मध्यिका कैसे निकालेंगे, हम आपको पूरा फॉर्मूला नहीं बताएंगे कि निकाल के नहीं दिखाएंगे, बस आपको आंसर बताया जाएगा और फॉर्मूला बताते हैं कि आपको कैसे निकालना है। आंकड़े दिए हुए हैं आपको 25, 34 ऐसे करके करके 32 तक दिए हुए, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, यानी मान लीजिए बढ़ते या घटते क्रम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको आप बढ़ते क्रम या घटते क्रम में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फार्मूला कौन सा लगाएंगे। तो यदि नंबर ऑफ डेटा जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है, वो दो केस हो सकता है, या तो इवन हो या ऑड हो, ठीक। अगर ऑड है तो मध्यिका निकालने का फार्मूला हो जाएगा एन प्लस वन बाई टू, ठीक, ये ऑड के केस में, ठीक, अगर ऑड है। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो एन बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस वन एथ टर्म अपॉन टू, ये हो गया फार्मूला, ठीक है, ये हो गया फार्मूला आपका। फार्मूले पे रखेंगे, इसका आंसर आएगा आपका 27.5, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों तो इस क्लास में इतना ही। अब आपको बता दे रहे हैं कि मैथ का जो सिलेबस था वो बहुत ही, जितना पढ़ाया गया था आपको वैसे ही कुछ पेपर आया है, तो पॉलिटेक्निक का पेपर आपका बहुत, हो सकता है अच्छा ही हुआ हो। अब दोस्तों आप आईआरटी की तैयारी कीजिए, उसका पेपर भी ऐसे ही उम्मीद के मुताबिक आएगा। दोस्तों अगर आप केएलडी क्लासेस से पढ़ रहे हैं तो निश्चित है आपका सिलेक्शन होना ही है, आपको एक सीट मिलनी है सरकारी, ठीक है। तो इसमें आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो पेपर में अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है जो भी बच गया हो, तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर आप फोन करिए, व्हाट्सएप किया जाएगा आपको पूरा सोल्यूशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।